हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस्ड अबाउट वाटर पोल्यूशन। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में एयर पोल्यूशन के बारे में डिस्कस किया था। तो एयर पोल्यूशन में क्या था स्टूडेंट्स, कि एयर की फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कंडीशन में कोई भी चेंज हो, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंज हो तो एयर पोल्यूशन है। अगर यही चीज़ वाटर में चेंज हो, वाटर की फिजिकल कंडीशन में, केमिकल कंडीशन में, बायोलॉजिकल कंडीशन में चेंज हो तो वो वाटर पोल्यूशन होता है। देखते हैं डेफिनेशन। वाटर इज सेड टू बी पोल्यूटेड वेन देर आर अनडिजायरेबल चेंज इन द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कंडीशन। फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल तीनों किसी भी कंडीशन में उसके चेंज हो तो वो वाटर पोल्यूशन होता है। ऑफ वाटर मेक इट अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन, वो ह्यूमन कंजप्शन के लिए अनफिट हो वो वाटर पोल्यूशन होता है। अब आज देखेंगे इसमें कोज ऑफ वाटर पोल्यूशन और सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। तो देखते हैं सबसे पहले वाटर पोल्यूशन। देखिए स्टूडेंट्स, वाटर इज एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स बिकॉज ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर इट टू बी सर्वाइव। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइव के लिए वाटर रिक्वायर है, इम्पोर्टेंट है। पोल्यूटेड वाटर पॉइजनस प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड हैज ए इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन। पॉइजनियस वाटर है वो प्लांट, एनिमल सबके लिए हार्मफुल होता है और ह्यूमन के लिए भी। द मेन कोज ऑफ वाटर पोल्यूशन आर स्वेज, मेन कोज कारण स्वेज, इंडस्ट्रियल वेस्ट, स्वेज इंडस्ट्रियल वेस्ट, ऑयल स्पिल्स एंड द यूज ऑफ पेस्टिसाइड इन एग्रीकल्चर। कोज है ये, इंडस्ट्रियल वेस्ट वगैरह है वो ओपन सोर्स में छोड़ना, स्वेज वेस्ट, ऑयल स्पिल, ऑयल स्पिल्स मतलब ऑयल का फैलाव होना, यूज ऑफ पेस्टिसाइड एंड एग्रीकल्चर। द सबिस्टांस दैट पोल्यूट वाटर आर कॉल्ड वाटर पोल्यूशन। वाटर को जो पोल्यूट होते हैं, वाटर को पोल्यूट करते हैं वो वाटर पोल्यूशन है। नेक्स्ट, वाटर इज सेड टू बी पोल्यूटेड वेन देर आर अनडिजायरेबल चेंज इन द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कंडीशन ऑफ वाटर दैट मेक इट अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन, जो अभी अपने डेफिनेशन देखी। वाटर बिकम पोल्यूटेड इन मनी वे, वाटर पोल्यूटेड कई तरीके से होता है। स्टेगनेंट वाटर बिकम पोल्यूटेड डे बाय डे, स्टेगनेंट मतलब रुका हुआ पानी, एक जगह स्थिर पानी होता है वो डे बाय डे पोल्यूटेड हो रहा है। इट गिव्स आउट ए फॉल स्मेल एंड मॉस्किटो ब्रीड इन द एज वाटर सोर्स कॉजिंग मलेरिया। देखो, रुके हुए पानी में जब गंदा पानी होता है, पानी कहीं रुका होता है तो वहाँ मॉस्किटो ब्रीड करते हैं और वो मॉस्किटो की संख्या ज़्यादा होती है तो फिर उससे अपने मलेरिया होती है। पॉन्ड वाटर में बिकम पोल्यूटेड ड्यू टू द बाथिंग एंड वॉशिंग क्लॉथ्स। पॉन्ड के वाटर के पोल्यूशन के कारण बाथिंग एंड वॉशिंग क्लॉथ, दे शुड नॉट वॉश और क्लॉथ इन पॉन्ड्स। अब देखते हैं कोज ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन कोज होने कैसे कोज होता है, सबसे पहले फर्स्ट, वाटर बिकम पोल्यूटेड वैन इट गेट्स मिक्सड विथ पॉइजनियस केमिकल वेस्ट। इसमें पॉइजनियस केमिकल वेस्ट मिक्स होते हैं, गार्बेज, कचरा, पॉलीथीन एंड अदर वेस्ट। टाउन एंड सिटीज थ्रो लार्ज क्वांटिटी ऑफ गार्बेज, टाउन और सिटियों में लार्ज क्वांटिटी में गार्बेज होता है, अनट्रीटेड स्वेज एंड मैनी अदर हार्मफुल थिंग्स डायरेक्टली इनटू द रिवर। ये सारी की सारी चीज़ें रिवर में मिक्स होती हैं, शहर का जो भी कचरा, सिटीज, टाउन में जो भी गार्बेज होता है वो मिक्स होता है उनमें, तो इससे वाटर पोल्यूटेड होता है। नेक्स्ट है, वाटर आल्सो बिकम पोल्यूटेड ड्यू टू वॉशिंग क्लॉथ्स, बाथिंग, क्लीनिंग यूटेंसिल्स। देखो, कपड़े धोना, नहाना, बर्तन साफ करना, डिस्चार्जिंग गार्बेज, गार्बेज कचरा फेंकना, बाथिंग ऑफ एनिमल्स, एक्सक्रीशन ऑफ एक्सक्रीटा इन पॉन्ड्स एंड रिवर। एक्सक्रीटा ये सारे के सारे रिवर में छोड़ने से रिवर में पोल्यूशन बढ़ता है और वाटर पोल्यूटेड होता है। केमिकल यूज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप। देखो, केमिकल अपने क्रॉप की प्रोटेक्शन के लिए केमिकल्स यूज करते हैं। डिजोल इन वाटर एंड आर वॉश्ड इनटू वाटर बॉडीज ओवर द फील्ड। ये वाटर में डिजोल होके ये वाटर बॉडीज में चला जाता है, वो भी हार्मफुल होता है। ड्यू टू पोल्यूटेड रिवर द सी वाटर आल्सो बिकम पोल्यूटेड। देखो, पोल्यूटेड रिवर से सी वाटर आल्सो बिकम पोल्यूटेड। रिवर्स होते हैं वो सी में जाके मिलते हैं तो वो आल्सो पोल्यूटेड होता है। सी वाटर बिकम्स रेडियो एक्टिवली पोल्यूटेड ड्यू टू एटोमिक एक्सप्लोजन।
इज सी। देखो समुद्र में एटॉमिक परीक्षण भी किए जाते हैं, एटॉमिक एक्सप्लोजन, रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं उनसे भी वाटर पोल्यूटेड होता है। सोर्स ऑफ, ये तो थे कोज ऑफ वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन के कोज होने के कारण ये सोर्स है। अब देखते हैं, व्हेन अनट्रीटेड सीवेज इज एम्प्टाइड इनटू रिवर्स इट कोज डिजीज लाइक टाइफाइड, टाइफाइड डायनसेट्री जैसे पेचिस बोल सकते हैं, एंड कोलेरा जैसे डिजीज होती हैं। एल्गी ग्रो अनकंट्रोलेबली, एल्गी सेवाल जो ज़्यादा मात्रा में ग्रो होती हैं। यूजिंग द ऑक्सीजन, जो ग्रो होंगी सेवाल तो वो ऑक्सीजन रिक्वायर होगी द वाटर, एंड कोजिंग द डेथ ऑफ आल लाइफ फॉर्म्स। ऑक्सीजन सेवाल ज़्यादा होगी तो नीचे जो समुद्री जीवन है या एक्वेटिक लाइफ है उनके लिए ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी और उनकी डेथ हो जाएगी। सीवेज मस्ट बी ट्रीटेड टू दैट इट कैन बी रिसाइकल्ड, सीवेज वाटर, सीवेज की जो लाइनें हैं उनको वाटर बॉडीज में मिलने से पहले उनको ट्रीटेड करना चाहिए कि पोल्यूशन कम हो सके। देखते हैं इसमें नेक्स्ट कारण, यहाँ से देखते हैं, मैनी इंडस्ट्रियल प्रोसेस प्रोड्यूस टॉक्सिक वेस्ट, हानिकारक वेस्ट, इन सम केस टॉक्सिक वेस्ट आर इलीगली डम्प्ड इनटू रिवर्स। इंडस्ट्री से टॉक्सिक वेस्ट सीक्रेट होता है वो रिवर्स में मिलता है या वो उसमें डंप करते हैं। स्ट्रीम्ड एंड डैम्स केमिकली लाइक साइनाइड, मरकरी, लेड, देखो केमिकल साइनाइड, मरकरी, लेड एंड कॉपर आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है जो वाटर में मिलकर हार्मफुल इफेक्ट कॉज करते हैं। नेक्स्ट है, ऑर्गेनिज्म आर पॉइजन एज द कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक इंक्रीज दैट पास थ्रू द फूड चेन, द पॉइजनियस केमिकल कोज कैंसर एंड डैमेज इंटरनल ऑर्गन इन पीपल एंड एनिमल। देखो अगर ये हानिकारक मटेरियल्स वाटर में मिलते हैं तो ये पॉइजनियस होते हैं और टॉक्सिसिटी को इंक्रीज करते हैं और ये वाटर अपनी फूड चेन के द्वारा सभी जीवों में जाते हैं और उनको हार्मफुल इफेक्ट कोज करते हैं जैसे कैंसर है एंड इंटरनल ऑर्गन पीपल एंड एनिमल्स। नेक्स्ट है, फैक्ट्रीज एंड पावर स्टेशन समटाइम्स रिलीज हॉट वाटर, फैक्ट्री एंड पावर स्टेशन कुछ रिलीज हॉट वाटर इनटू रिवर एंड स्ट्रीम कोजिंग थर्मल पोल्यूशन। देखो थर्मल पोल्यूशन गर्म वाटर समुद्र में या वाटर बॉडीज में छोड़ने से थर्मल पोल्यूशन होता है क्योंकि वो वाटर गर्म हो जाता है और वो एक्वेटिक लाइफ के लिए उसमें सर्वाइव करने के लिए सही नहीं होता है। इंक्रीज टेम्परेचर किल्स द वाटर प्लांट्स एंड फिश बिकॉज फिश एंड कोल्ड ब्लडेड एनिमल कैन नॉट टॉलरेट एक्सट्रीम चेंज ऑफ एनवायरमेंट टेम्परेचर। देखो ये इंक्रीज टेम्परेचर होता है वो किल करता है वाटर प्लांट्स को एंड फिश बिकॉज कोल्ड ब्लड एनिमल्स होते हैं वो उनको टॉलरेट नहीं कर पाते हैं क्योंकि अचानक एनवायरमेंट में चेंज होता है, ठंडे वाटर में रहते हैं अचानक गर्म पानी होता है तो वो टॉलरेट नहीं कर पाते हैं और वो उनकी डेथ होती है। दिस कोज मैटर टू डिके इन द वाटर विथ डिजीज कोजिंग बैक्टीरिया थ्राइविंग ऑफ द रोटेटिंग मटेरियल। देखो दिस कोज मैटर टू डिके इन द वाटर, देखो ये होते हैं वाटर के अंदर पॉल्यूशन होता है। अब सबसे अच्छा है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट भी है, ऑयल टैंकर्स एंड ट्रांसपोर्ट ऑयल समटाइम्स लीक ऑयल। देखो अगर समुद्री से शिप से ऑयल ला रहे हैं तो कई बार दुर्घटना एक्सीडेंट हो जाता है या कोई लीक हो जाता है तो वो ऑयल पूरा सी की सरफेस पे फैल जाता है। फ्लश देयर ऑयल टैंक आउट ऑफ सिंक, फ्लश हो जाता है द ऑयल स्प्रेड अक्रॉस लार्ज सरफेस ऑफ द सी कोजिंग्स। लार्ज सरफेस पे ऑयल हमेशा वाटर की ऊपरी सतह पे रहता है, ऊपरी सरफेस पे रहता है तो वो टैंक अगर लीक होगा तो वो समुद्र की सतह पे ऑयल फैल जाएगा, उससे क्या होगा द डेथ ऑफ किलर व्हेल्स, सेल्स, फिश एंड बर्ड्स बिकॉज दे आर कन्वर्ट इन टू द ऑयल। दे अगर ऊपरी सतह पे ऑयल ज़्यादा हो जाएगा तो वो ऑक्सीजन की मात्रा नीचे कम हो जाएगी, ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे तो एक्वेटिक लाइफ की डेथ होगी। प्लांट्स नॉट बी एबल टू ऑब्टेन एनफ CO2 फॉर फोटोसिंथेसिस, वो CO2 भी नहीं ले पाएंगे फोटोसिंथेसिस के लिए। प्लांट एंड एनिमल नॉट बी एबल ऑब्टेन एनफ O2 फॉर सेलुलर रेस्पायरेशन, O2 नहीं ले पाएंगे रेस्पायरेशन के लिए क्योंकि ऊपर ऑयल की लेयर है। बर्ड्स एंड पेंगुइन इंजेस्ट द ऑयल एंड डाई, बर्ड्स एंड पेंगुइन इसको खा लेते हैं और उनकी लास्ट में डेथ होती है। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू।